ये कहानी है उस इंसान की जिसे पेड़ पौधों से इतना प्रेम है कि उसका नाम ही द ट्री मैन पड़ गया है। जी हाँ, तमिलनाडु के एम योगनाथन को आज पूरा देश द ट्री मैन के नाम से जानता है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले तमिलनाडु के नागपट्टिनम के पास मदुलादुरई निवासी मारिमुथु योगनाथन को बचपन से ही पेड़ पौधों से प्यार था। योगनाथन जब नीलगिरी जिले में सेल्समैन की नौकरी करते थे तब वहां नीलगिरी की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। वहां उन्होंने कोटागिरी में लकड़ी माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। योगनाथन तमिलनाडु राज्य सड़क परिवहन निगम की बस नंबर 7 जो कि कोयंबटूर के मरुधमलाई से गांधीपुरम को जाती है उसमें कंडक्टर की नौकरी करते थे। वो अपनी सैलरी का 40% हिस्सा पौधे लगाने पर खर्च करते हैं। अपनी कमाई से अब तक 32 जिलों में 3,00,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि जब कोई बच्चा पौधा लगाता है तो उस पौधे का नाम उस बच्चे के नाम पर रख देते हैं। योगनाथन को इस काम के लिए 14 पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्हें पर्यावरण योद्धा का पुरस्कार भी मिला है। इतना ही नहीं, CBSE की 5th क्लास की जनरल नॉलेज की बुक में योगनाथन को ग्रीन योद्धा बताया गया है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।